हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी लेके आ गई हूँ। आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। खूब सारा नारियल का लड्डू घर पे ही बना सकते हैं और कम पैसों में। मार्केट में जाने से बहुत ही ज्यादा दाम बढ़ रहे हैं अभी। हर चीज, मिठाई, लड्डू, जो भी चीज हो, बहुत ज्यादा दाम होता है। तो हम घर पे कम पैसा में इतने सारे लड्डू बना के तैयार हो जाता है। चलिए बनाने शुरू करते हैं। गैस पे मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है और मैं यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाले रही हूँ। देसी घी डालने से अच्छी खुशबू आएंगे और फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया देने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी डाली हुई है। और मैं यहाँ पर कोकोनट पाउडर ले रही हूँ। ये मैंने मार्केट से नहीं खरीदा है, ये मैंने घर पे फ्रेश कोकोनट पाउडर बनाई हुई है। मैंने 2 कोकोनट लिया है यहाँ पर। उसके बाद इसके जो बैक साइड का ब्राउन कलर होता है ना, उसको मैंने छील के फेंक दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर छोटी छोटी पीसेस में कट करके ग्राइंड कर दिया है और जो इसका मिल्क होता है उसको मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर घी डालने के बाद वो कोकोनट पाउडर जो था मैंने बनाया हुआ वो यहाँ पर डाल के भून रही हूँ। मैंने ये फ्रेश कोकोनट पाउडर बनाई हुई है, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। बहुत ही अवेलेबल है, अभी मिल जाते हैं कोकोनट पाउडर। लेकिन घर पे फ्रेश बना के बनाने से अच्छी खुशबू भी आते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी बढ़ते हैं। गैस का फ्लेम को लो रखेंगे और इस तरह से मिक्स करते रहना है। मैंने यहाँ पर फ्रेश कोकोनट पाउडर लिया है, इसलिए थोड़ी टाइम ज्यादा लगेंगे मुझे। आपका कोकोनट पाउडर ड्राई होगा पैकेट में जो मिलते हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। हमें अच्छे से इस तरह से भूनते हुए हल्के से ब्राउन कलर में आ जाना है। तब तक हमें इस तरह से भूनते रहेंगे और हमें कोकोनट पाउडर जो बनाए हुए घर पे वो फ्रेश होते हैं, तो थोड़ी सी टाइम लग जाता है। अभी मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ। 1/2 लीटर दूध मैंने गर्म करके यहाँ पर रखी हुई थी और ये देखिए मलाई के साथ में डाल दे रही हूँ मैं यहाँ पर। और आप भी दूध डालने हैं यहाँ पर तो आप थोड़ी सी गरम करके डालिएगा। कच्ची दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गरम करके डालने से मलाई साथ में मिल जाते हैं तो अच्छे फ्लेवर आएंगे मलाई के साथ में दूध। और हमें इस तरह से मिक्स करते रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर दूध थोड़ी सी कम लग रहे तो आप और ऐड कर सकते हैं। मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, उसके बाद कम लगे तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी। इस तरह से हल्के हल्के से मिक्स करते रहेंगे सब जगहों में। और अच्छे से भीग गया है कोकोनट पाउडर, तो मैं यहाँ पर दूध ऐड नहीं कर रही हूँ। इस तरह से मिक्स करते हुए हमें भूनते रहने हैं। और ये देखिए दूध डालने के बाद थोड़े से कलर में भी चेंज आ गया है कोकोनट पाउडर। अभी मैं यहाँ पर चीनी भी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर चीनी थोड़ी सी कम ही ले रही हूँ, आपको कम ज्यादा कर सकते हैं चीनी, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड दूध में भी थोड़ी सी मिठास रहता है और नारियल में भी अपना स्वीटनेस होता ही है, तो मैं यहाँ पर चीनी थोड़ी सी कम ही डाल रही हूँ। और हमें इस तरह से मिक्स करते हुए इसको भी पकाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करने होंगे, लो फ्लेम में पकाने हैं। और ये चीनी पानी छोड़ देंगे और अच्छे से पकेंगे दूध और नारियल, अच्छे से यहाँ पर मिक्स भी होंगे और अच्छे से पक भी जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी चीनी कैसे पानी छोड़ते हैं। इस तरह से भूनते हुए आप देखिएगा उस टाइम पानी निकलेंगे चीनी का। ये देखिए चीनी पानी छोड़ रही है। अब इसी पानी से हमें कोकोनट को पकाने होंगे और कलर में भी थोड़ी सी चेंज आएगा। जब हम दूध डालते हैं और चीनी डालते हैं उस टाइम थोड़ी सी कलर में चेंज आ जाता है नारियल पाउडर में। और इस तरह से हमें मिक्स करते हुए भूनने होंगे, बिल्कुल छोड़नी नहीं है, नहीं तो एक साइड थोड़ी सी ज्यादा पक जाएंगे एक साइड कम। तो हमें इस तरह से मिक्स करते हुए हमें पकाते रहने होंगे। देखिए थोड़ी सी सूख गया है पानी, अभी पानी नहीं है चीनी का। तो हमें इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर मिल्क पाउडर ले रही हूं मैं यहाँ पर। 3 चम्मच बड़ी चम्मच से मिल्क पाउडर डाल दिया है। आपके पास में मिल्क पाउडर ना हो तो आप काजू का पाउडर भी बना के डाल सकते हैं, और वो भी नहीं है तो फिर आप घर में मलाई जमा के रखी हुई है तो वो भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप मिल्क पाउडर के साथ में बनाएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने के टाइम में, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही अच्छे लगने वाला है ये।
और इस तरह से हमें गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे इस तरह से और प्लेट में निकाल के शिफ्ट कर देती हूँ मैं। और ये देखिए कलर भी इतने अच्छे आ गया है। और हाथ पे अच्छे से दो हाथ में भी घी लगा लेंगे और एक एक चम्मच लेके इस तरह से आपको गोल शेप में देने होंगे। आपको बड़े या छोटे साइज बनानी हो वो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी मीडियम साइज में बना रही हूँ और मैं इस तरह से ये देखिए इस तरह से घुमा देने से अच्छे से गोल शेप में आ जाता है। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कोकोनट पाउडर रखी हुई है, उसमें थोड़ी सी इस तरह से लगा दूंगी और देखने में भी इतनी अच्छी लगेंगे और खाने के टाइम में भी बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें ये लड्डू को बना के तैयार करेंगे। और ज्यादा ठंडे होने नहीं देने होंगे, ज्यादा ठंडे होने से आपको अच्छे से लड्डू शेप में नहीं आएंगे, वो टूट जाएंगे। तो थोड़े से हल्के गर्म होने चाहिए तभी हमें फटाफट से बनाने हैं। मैं यहाँ पर सब लड्डू इस तरह से बना के तैयार कर लूंगी। आप भी एक बार जरूर बनाएगा घर पे, फ्रेश कोकोनट लाके बनाने से बहुत ही अच्छे लगने वाला है। और आप इस टाइप से बना के आपको 10-15 दिन तक फ्रिज में अच्छे से ढक्कन लगा के रखने से 10-15 दिन तक आप खा सकते हैं। और अभी त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहे हैं, तो घर पे मिठाई बना के तैयार कर लेते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करके खाएंगे। आपको ये मेरा रेसिपी कैसे लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इसी तरह से नए नए वीडियो लेके मैं आती रहूंगी। बाय बाय।